Good morning, students. Today I will explain you maths exercise 1.1. बेटा आज से हम अपनी book start कर रहे हैं जिसकी first exercise 1.1 मैं आज आपको समझाऊंगा. अभी तक इससे पहले जो है हमारा revision चल रहा था, पर अब हम इसकी book exercise करेंगे. तो first question है हमारा write the following numbers in words. मैंने आपको सिखाया है कि words में कैसे लिखते हैं हम. तो write the following numbers. रिवीजन में मैंने आपको समझाया था वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, न्यूमेरल्स में कैसे लिखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है 65. सेकंड है हमारा 234. सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे हम 234. नेक्स्ट है आपका 555. इसके बाद है फाइव है, टेंथ प्लेस पर भी फाइव है और हंड्रेड प्लेस पर भी फाइव है. तो 555 का
नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट टेंस 100, 555, 555. Next, देखिए 3.
आंसर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने आपको अभी बताया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम इसका। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, आपको वापस से इनको फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स को वर्ड्स में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, अपने आप से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन अभी समझाया था राइट द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड, तो फर्स्ट वाला मैंने आपको बता दिया है, थर्ड वाला आप अपने आप से करेंगे। सेल्फ करेंगे उसको, सेम है नंबर नेम्स आपको वर्ड्स में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग तमिल तेलुगु एंड मराठी न्यूमेरल्स। अब आपको जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आपको तमिल में लिखना है, तेलुगु में लिखना है एंड मराठी न्यूमेरल्स में लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या है कि टेबल दी गई है स्टार्टिंग के, देखिए यहाँ ये आपको टेबल शो होगी पूरी। इसमें आपको अरेबिक में, हिंदी में, उर्दू में, बंगाली में, मराठी में, पंजाबी में, तमिल में एंड तेलुगु में, सभी भाषाओं में आपको बताया गया है किस तरीके से कौन सा लेटर जो है आपका वर्ड जो वो बनता है, नंबर कौन सा नंबर किस तरीके से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमको ऐसा ही करना है। फोर आप सेल्फ कर, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेल्फ करें आप, फोर में आपको बता रही हूँ। तो ये है आपकी, अब इनको आपको तमिल, तेलुगु और मराठी में लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर पहले आप तमिल में लिख रहे हैं, फिर तेलुगु में लिख रहे हैं और फिर आप मराठी में लिख रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास में 12 को देखिए आप किस तरीके से लिखा है, सबसे पहले तमिल में लिखते हैं, देखिए यहाँ पर तमिल में वन आपका इस टाइप से बनने वाला है और टू आपका इस टाइप से बनने वाला है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं बनने वाली है आपसे, तो थोड़ा आप इसकी प्रैक्टिस लगाएं तभी आपसे भी बन पाएंगे। ये है आपका वन और आपको 12 लिखना है और टू आपका बन रहा है इस तरीके से ऐसे। तो ये है आपका तमिल में 12। अब आप देखेंगे तेलुगु में कैसे बनेगा आपका, तो तेलुगु में जो आपका वन होता है वो बना है इस टाइप से और टू बना है आपका जो तेलुगु है उसमें इस टाइप से, तो ये आपका हो गया 12। अब मराठी में जब हम देखेंगे तो वन बनता है आपका मराठी में ऐसे और टू बनता है ऐसे, तो ये बन गया आपका 12। नेक्स्ट देखते हैं 29। 29 के लिए देखते हैं हम, टू हमको मालूम है ऐसे बनेगा क्योंकि हमें 12 लिखा था अभी, तो टू आप ऐसे ही बनाएंगे। 9 के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें आपको, 9 आपका कैसे बनेगा यहाँ पर तमिल में वो हम देखते हैं। तमिल का जो 9 है हमारा वो आप ऐसे डब्लू जो होता है ना डब्लू उस टाइप से आप बना लेंगे, इसको ऊंचा कर लेंगे और ये बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में इसको नीचे ये आपका बन गया। नेक्स्ट रहेगा आपका बनाना है हमको मराठी में, मराठी में जब हम बनाएंगे 29 तो टू आपका नॉर्मली ऐसे ही बनेगा जैसे जैसे अभी हमने बनाया था, इसमें ऐसे करके ये टू बन गया हमारा तेलुगु में। अब 9 बनाना है हमको तेलुगु में, तेलुगु का 9 हमारा बन रहा है ये इस तरीके से। अब आप बनाते हैं ना उल्टा कर दे बस, ये 9 हो गया, तो ये इस तरीके से 29 है आपका, ठीक है, ये इसका आंसर है।
चलना, आगे पीछे होगा नहीं मेरे को। अब है आपका मराठी, मराठी में आपको लिखना है तो मराठी में आपका थोड़ा इजी है, तो आपका ऐसा ही रहेगा और नाइन के लिए आपका हो जाएगा, यहाँ से आप लेकर जाएंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा, ये बन गया आपका 29। 36 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा तमिल, तमिल का 3 जो है वो कैसे बनेगा, तमिल का 3 देखिए थोड़ा टफ है ये, ये आपका तमिल का 3 है और आपका तमिल का 6, तमिल का 6 तो इससे भी थोड़ा हार्ड ही है, तो कोशिश करना प्रैक्टिस करना आ जाएगा। ये है आपका तमिल का जो होता है ना आपका 6, तो ये उस टाइप का होता है। अब तेलुगु में देखोगे आप तो तेलुगु का आपका जो है 3, तेलुगु का जो 3 है आपका वो बनता है आपका इस तरीके से, ये आपका तेलुगु का 3 हो गया। अब उसके बाद सॉरी मराठी में आएंगे, फिर अब तेलुगु का यहाँ पर आएंगे हम, तो ये हमारा हो गया तेलुगु का 3 और 9 जो है आपका सॉरी 6 बनाना है तेलुगु का, तेलुगु का 6 आपका ऐसा बनेगा, ऐसे करेंगे और ऐसे ही बनाएंगे, ये आपका तेलुगु का 6 होता है। मराठी का बनाएंगे आप 36, तो 3 आपका मराठी का जो है वो नॉर्मल ऐसे बनता है और 6 जो है वो आपका ऐसे बनेगा, तो देखना आप 79 देखिए, तो तमिल का 7 आपका कैसे बनेगा, तमिल का 7 देखिए, जैसे हम छोटा बड़ा जब सीखते हैं तो ना बनाते हैं ना, ना उस टाइप से है आपका ये, ऐसे ये है आपका 7, तमिल का 7 और उसके साथ आपको 9 बनाना है, तो 9 आपका फिर वही रहेगा आपका जैसे बनाएगा इस तरीके से। अब है आपका तेलुगु, तेलुगु में बनाएंगे आप 7 बनेगा, 79 लिखना है हमको तो 7 बनेगा तेलुगु का आपका इस तरीके से और 9 बनेगा आपका तेलुगु का इस तरीके से ये, और मराठी में जब आप 79 लिखेंगे तो मराठी का आपका 79 जो है वो ये रहेगा 7 और 9 जो है वो आपका ऐसे रहेगा। डियर तो ये आपको क्या है, ये टेबल है आपके पास में, ये फर्स्ट पेज पर दी गई है रिलीजनल एंड ग्लोबल नंबर्स, ये टेबल्स आपको लर्न करनी पड़ेगी तब आप इसमें लिख पाएंगे आप उर्दू में, बंगला में, मराठी में, पंजाबी में, तमिल में, तेलुगु में नंबर डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन बंगला एंड मराठी न्यूमेरल्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग अरबी न्यूमेरल्स इन हिंदी एंड पंजाबी न्यूमेरल्स, तो ये 5 और जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है ये आप टेबल से सेल्फ करें, यहाँ से देख करके आपको सारे नंबर मालूम चल जाएंगे कि 1 कैसे बनाना है, 2 कैसे बनाना है, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको क्योंकि बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगे, उनको माइंड में सेट करना पड़ेगा कौन सा नंबर कैसे बनता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1, आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, रफ कॉपी पर आप प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के बेटा नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करें आप, उसके बाद में आपको उसके नोट्स मिल जूंगी जिन्हें आप फिर कॉपी में साथ साथ लिखते जाएँ। थैंक यू।